अलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज का जो नुस्खा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल और आसान रेमेडी है, घरेलू रेमेडी है। आज का जो नुस्खा है अजलाती गुदी अक्सीर सोजश का नुस्खा है। ऐसे मरीज़ के जिनके जिस्म में मलेरिया बुखार की शिकायत हो या इसहाल का मसला हो या इसके अलावा जिस समय बलगम की कसरत से सोजश हो जाती हो, उनके लिए बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेमेडी है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो पैर नाजरीन, नुस्खा पहले रूटीन की तरह लिख कर रखा हुआ है, नुस्खा नोट फरमा लें। ये जो नुस्खा है ये अफ़ाल और असरात में अजलाती गुदी है। पैर नाजरीन, पहली चीज़ है खुशक आमला गुठली के बग़ैर, दूसरी चीज़ है हलीला स्या, तीसरी चीज़ है गंधक आमला सार। आपने आमला खुशक लेना है तो उससे आपने जो उसकी गुठली है वो निकाल देनी है। ये आपने 40 ग्राम गुठली के बग़ैर और हलीला स्या ये 60 ग्राम और इसके अलावा गंधक आमला सार ये भी 60 ग्राम, तो इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह अलग अलग कूट कर सफ़ू बना लें। तो ये जब आप इसका सफ़ू तैयार हो जाए तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपकी ये खुराक निसफ़ माशा दिन में 3 बार हमरा ताज़ा पानी के साथ दें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो पैर नाज़रीन, मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343-416-7476। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।